बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू दानिश परदेसी। दानिश परदेसी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैपिके का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी एप्लीकेशन के ज़रिए। बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दानिश परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल दानिश परदेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बने घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक लाइसेंस मैंने यहाँ पे चेक किया है, इसके नीचे एक लिंक है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड। यहाँ से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट की, जहाँ से आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि यह किस तरह से वेरीफाई होता है, यानी आसान तरीका है अगर आप ऑनलाइन किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन है। तो आपने इस वेबसाइट पे यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर पेस्ट करना होता है, जो भी जिसका भी आईडी कार्ड नंबर है, ओरिजिनल कंप्यूटराइज आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे पुट करना होता है इस बॉक्स में। यहाँ पे पुट करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना होता है। जब आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी डिटेल सारी आ जाती है। इस वेबसाइट का नाम है केपी ट्रांसपोर्ट। ये लोगो आप देख लें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट हैं केपीके ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आप ये वाली वेबसाइट जहन में रखें, इसका लोगो आपने याद रखना है, क्योंकि बाद में आप लोगों ने कमेंट करके कहना है दानिश भाई ये वेबसाइट तो काम ही नहीं कर रही है, इस पर तो वेरिफिकेशन हो ही नहीं रही है। इसका लोगो मैंने जूम करके आपको दिखाया है, फिर भी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेबसाइट, या गूगल में जाके मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि किस तरह आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, कैसे यहाँ पे आप आके वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वेबसाइट को आप अच्छी तरह जहन में बिठा ले, क्योंकि एक दूसरी वेबसाइट है जो सबसे टॉप पे आएगी, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो टॉप पे आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यह देखे लिखे हुए इंटर CNIC नंबर, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, फिर आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो ये वेबसाइट आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो अभी मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। देखिए, मेरे पास तीन वेबसाइट ओपन है, या नीचे वाली मैंने एक ओपन की हुई है, एक ऊपर वाली है। तो पहले मैं काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। मैंने दोनों वेबसाइटों को चेक किए। ये देखिए, गूगल में जब मैंने सर्च किया केपीके ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक नहीं करना है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये दूसरा इंटरफेस आएगा, ये ड्राइविंग पुलिस वालों की है, ये आपकी नहीं है। क्योंकि जब मोटरवे पुलिस वालों की वेबसाइट है, उनके सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे वेरीफाई होते हैं, वो भी केपीके के, आप लोगों के नहीं होंगे। ये देखें, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और नीचे लिखा आएगा राबता। तो यहाँ से आपने इस वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर पुट करता हूँ आप लोगों के सामने और देखें यहाँ पर डिटेल नहीं आएगी, नो रिकॉर्ड यहाँ पर आता है। ये देखें, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बिल्कुल आएगा। तो ये वेबसाइट आप जहन में रख लें। इस वेबसाइट को, ये इस ऐप को प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करें, ना यहाँ से आप वेरीफाई करें, क्योंकि इस वेबसाइट से वेरीफाई नहीं होता है। जो लोकल आदमी है, हमारा डाटा यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वालों की है, उनका डाटा सिर्फ यहाँ से वेरीफाई होता है, यह सिर्फ उनके लिए। ये आप लोगों भी देख सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर लिखा हुआ है, वाज़ह तौर पर उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग वेरीफाई कर सकते हैं जो केपीके ट्रैफिक पुलिस में है, वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपना आईडी कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने गूगल में लिखना है केपीके ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ आपने गूगल में फाइंड करनी है। इस वेबसाइट को आपने छोड़ देना है। नीचे और भी वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन पर भी क्लिक नहीं करना है, आपने नीचे थोड़ा सा और जाना है, मज़ीद नीचे आपने चले जाना है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा केपी ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर एक वेबसाइट भी लिखी हुई है। तो आपने चाहें तो यहाँ से क्लिक करके अपने पास बुकमार्क पे सेव भी कर सकते हैं अपना, जो भी आपके पास ब्राउज़र है, क्रोम है या जो भी ब्राउज़र है,
आपने इस वेबसाइट को ध्यान से देख लेने और आपने इसको ही ओपन करना है। इस वेबसाइट को जब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे ये देखें, और इसके अंदर एक बॉक्स आता है सर्च बॉक्स, तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना होता है। तो यहाँ से आईडी कार्ड के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रूट परमिट भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि KPK का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने एक नंबर यहाँ पे पुट किया तो सारी डिटेल उसकी आ गई है। इस आईडी कार्ड को तो मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी डिटेल है वो लीक ना हो। लेकिन आपने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह सर्च करने है, तो आपकी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगी कि किस तरह हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वेरीफाई है या नॉट वेरीफाई, ओरिजिनल है या जेली है, उसकी तस्दीक यहाँ से आसानी से हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये प्ले स्टोर पे चली जाएगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप आसानी के साथ इस एप्लीकेशन को, 45 MB की एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, तो आपके लिए आसानी होगी। KP ट्रांसपोर्ट्स ऑफिशियल के नाम से जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे, आसान तरीके है। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रीन शॉट भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने करना है। सेम वही मेथड है जो पीछे मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर चेक करके दिखाया है, वही यहाँ पे ये देखें वही ऑप्शन सारे आ रहे हैं। आपने सिंपली अपना जो है आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और आपका जो जितना भी डेटा है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल दानिश परदेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बने घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।